हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिट प्रो का स्मार्ट बैंड। ये एक छोटे से बॉक्स पैकिंग में आ जाता है और इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग एंड इसके कुछ फीचर्स इंडिकेट किए हुए हैं। ये काफ़ी कूल फीचर्स के साथ बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। इसके बैक साइड में इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है और इसके हार्डवेयर के बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पे। चलिए अभी इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें मिल जाता है एक स्मार्ट बैंड और एक यूज़र मैनुअल जो हमें काफ़ी मदद करती है फर्स्ट टाइम सेटअप करने में। इसमें एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ चाइनीज़ लैंग्वेज है, आपको जो समझ में आए वो रीड कर सकते हैं। ये फिटनेस बैंड दिखने में काफ़ी कूल लगता है, इसकी डिस्प्ले काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके बॉटम में एक टच बटन दिया गया है जिसके हेल्प से हम इसे ऑपरेट करते हैं और इसके बैक में ये हार्ट रेट सेंसर दिया गया है जिसकी मदद से हार्ट बीट चेक करते हैं। एंड जस्ट ऊपर इसकी हिडन चार्जिंग कनेक्टर दी गई है जिसे किसी भी मोबाइल चार्जर के यूएसबी पोर्ट में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है बिना डेटा केबल के। इसकी जो बेल्ट है आप देख सकते हैं, इसमें होल्डर डिज़ाइन किया गया है जो अपने डिवाइस को होल्ड करके रखती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इसे हम अपने डिवाइस से अटैच करते हैं। इसमें ये जो बड़ी वाली बेल्ट है उसे हम नीचे साइड अटैच करेंगे, थोड़ा टाइट रहेगा ये अटैच करने में, देखा जाए तो सेफ्टी के लिए अच्छा ही है। अब चार्जिंग कनेक्टर के साइड में दूसरी साइड का जो बेल्ट है उसे अटैच करते हैं, काफ़ी टाइट है, अटैच करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ी दिक्कत वाली बात ये लगी कि जब भी आपको चार्ज करना होगा तो एक साइड बेल्ट को रिमूव करना पड़ेगा आपको, उसके बाद चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे बैटरी काफ़ी चलती है इसकी, कोई दिक्कत नहीं। मैं बेल्ट को रिमूव करने के बाद चार्जर के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कैसे इसे चार्ज करना है। एक बार आप 1 घंटे से 2 घंटे चार्ज करेंगे और ये 7-8 दिन बैटरी चलती है इसकी। रिमूव हो चुका है और इसे अडैप्टर के साथ इस तरह से डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और चार्जिंग के लिए प्लग इन कर देंगे इस तरह से। बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी है, 8-10 दिन चल जाती है। अब इसके कुछ फंक्शंस को समझ लेते हैं। इस तरह ये स्टेप्स काउंटर है, हार्ट रेट यहाँ पे बताएगा, स्पोर्ट्स का है मतलब रनिंग वगैरह, यहाँ पे मैसेज का नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मोर का ऑप्शन में थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो मोर के ऑप्शन में चले जाएंगे। इसके अंदर कैमरा का ऑप्शन है, आपका ये फ़ोन का जो कैमरा है उसे ऑन कर देगा, यहाँ से रिमोटली आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से कुछ सर्च करना है सर्च कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप रीसेट कर सकते हैं डिवाइस को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। उसके बाद ये डाउनलोड ऐप का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने स्मार्टफोन पर डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऐप है, और यहाँ से डिवाइस को ऑफ़ कर सकते हैं। किसी भी मेनू के अंदर जाने के लिए उसे थोड़ा देर टच करके रखना पड़ता है, वो उसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है टाइम, बैटरी इंडिकेटर, डेट टाइम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। अब हम सबसे पहले अपनी हार्ट बीट चेक करते हैं। इसके लिए हम हार्ट बीट वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और फिर ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। इसे अपने रिस्ट पे लगा लेंगे और फिर रिज़ल्ट का वेट करेंगे। कुछ सेकंड वेट करने के बाद रिज़ल्ट दिखने लगेगा जिसमें आपको हार्ट बीट के साथ साथ ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल भी डिस्प्ले हो जाएगा। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं रिज़ल्ट आ चुका है और सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर और दिखाते हैं इसे कैसे सेटअप करते हैं फर्स्ट टाइम। इसे सबसे पहले ब्लूटूथ को ऑन करना है, ब्लूटूथ मेन्यू में जा कर के ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं LM707, ये डिवाइस का आईडी है, इसे सबसे पहले हमें पेयर करना होता है, इस पर क्लिक करेंगे और ये ओके का बटन को प्रेस करेंगे।
और ये पेयर हो चुका है। पेयर होने के बाद इसे बैक चले जाते हैं और ये फिट प्रो का जो ऐप है जो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये आपका होम पेज है जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है, आपकी जितने भी है वो सारा स्मार्ट बैंड से सिंक हो जाएगा यहाँ पे और सारा कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा। एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में हम बताते हैं आपको। ये होम है, सबसे पहला काम होता है ये सेट बटन पे क्लिक करना होता है। स्टार्टिंग में सेट पे क्लिक करते ही आपको डिवाइस की आईडी यहाँ पे ऊपर में दिख जाती है, इसका वर्ज़न वगैरह दिख जाता है, आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं जब भी इसका अपडेट आएगा। ये चार ऑप्शन ऊपर में है, ब्राइटनेस कंट्रोल है, डू नॉट डिस्टर्ब है, अलार्म्स है और रिमाइंडर है। ये सारा कुछ आपका सेटिंग जो है वो उसके साथ सिंक किया हुआ है, स्मार्ट बैंड के साथ। ब्राइटनेस कंट्रोल को ऑन करके देखते हैं, यहाँ से हम ऑन कर लेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम लिखा हुआ है, यानी कि इस टाइम के बीच में ब्राइटनेस कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस ज़्यादा होना चाहिए और इसके बाद जो है ब्राइटनेस कम हो जाना चाहिए, वो सब सेट करके रख सकते हैं। अब बैक जा करके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन अगर करते हैं तो आपका जो भी नोटिफिकेशंस है वो नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट बैंड पे नहीं दिखेगी इस टाइम के बीच, जो टाइम यहाँ पे आप सेट करके रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 10 बजे से 8 बजे तक किया हुआ है तो 10 से 8 तक नहीं दिखेगी। हम यहाँ पे 6 बजे का टाइम कर देते हैं, मॉर्निंग 6, और इसे प्रेस कर देते हैं, ये सेट हो गया है 6 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप अलार्म सेट कर सकते हैं। ऊपर ये जो राइट साइड में कॉर्नर पे प्लस का सिंबल है, इसे प्लस पे क्लिक करने के बाद आप अलार्म को सेट कर सकते हैं डे वाइज, कितने बजे कौन कौन सा दिन को करना चाहिए, और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे अलार्म सेट हो जाएगा। अब मैंने अभी कैंसिल कर दिया है, मुझे अलार्म नहीं चाहिए। यहाँ पे रिमाइंडर का ऑप्शन है, आप किसी भी चीज़ के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इसे ऑन करते ही आप ये जो टाइमिंग है टाइम सेट करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। मुझे कोई रिमाइंडर सेट नहीं करना है, मैं बैक चला जाता हूँ। अब एक एक करके इस ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो ये फाइंड का है, यहाँ से आप कुछ फाइंड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आगे के ऑप्शन पे जाते हैं, रिमोट शटर, इसको प्रेस करते हैं तो ये मोबाइल का कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ये है मैसेज पुश, इसी में आपको सेट करना है कि आपको किस किस चीज़ की नोटिफिकेशंस आपके स्मार्ट बैंड पे चाहिए। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये कॉल रिमाइंडर है, इसे मैंने ऑन कर लिया है। SMS रिमाइंडर है, इसे भी ऑन कर लिया है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारा कुछ को जिसको जिसको आपको चाहिए वो ऑन करके रख सकते हैं, इसी की रिमाइंडर आपको अपने स्मार्ट बैंड पे नोटिफिकेशन मिलेगी। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कुछ ऐप्स का जो कुछ ऐप्स है जो सपोर्ट नहीं करेगा आपके स्मार्ट बैंड पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, ये यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है पहले से। कॉल का तो हो जाता है, SMS का भी हो जाता है, बाकी का उम्मीद कम है कि होगा। सबको ऑन कर लेंगे जिसको जिसको आपको चाहिए और यहाँ से बैक चले जाते हैं, वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे रीसेट डिवाइस का है, यहाँ से आप डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं, कंफर्म कर देंगे तो। मुझे रीसेट नहीं करना है, कैंसिल कर देते हैं। अदर ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे एक आप ऑप्शन मिल जाता है वाइब्रेट सेटिंग का, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं यहाँ से तो आपका जो स्मार्ट बैंड है वो वाइब्रेट नहीं होगा, सिर्फ साउंड नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ से OTA जो है इसे भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन
इंटरनेट ऑन करके। ये मोशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऑन करने के बाद स्टार्ट बटन दबाएंगे और चलना चालू करेंगे या रनिंग करना चालू करेंगे, ये सारा कुछ आपको काउंट करके बताएगा। यहाँ पे माइन के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखेगा, आईडी दिखेगा, यूज़र प्रोफाइल है, अबाउट है, फीडबैक है, कितना स्टेप्स चले हैं आप, कितना किलोमीटर चले हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड आपको शो करेगा। इसके अंदर सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, आपका जो भी सेट करके रखेंगे, और साइन आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। बैक चले जाते हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपने कितनी बार हार्ट बीट चेक किया है अपने स्मार्ट बैंड से, वो सारा हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखेगा, कब कब कितना कितना परसेंट दिखाया था, क्या क्या रिज़ल्ट था, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखता है। आपकी हेल्थ रेट क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देख लीजिए। यहाँ से आपका रिकॉर्ड दिखता है, आपका हेल्थ कैसा है, हेल्थ का रेटिंग क्या है, 89% हेल्थ रेटिंग है यहाँ पे। बॉडी का फैट रेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हेल्दी हैबिट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखता है। सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ईट ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आपको पंच करना पड़ता है मैन्युअली, जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप वहाँ पे पंच कर दें कि हाँ मैंने इतने बजे ब्रेकफास्ट किया है, यहाँ पे टाइम और मैन्युअली आपको यहाँ पे पंच करना पड़ेगा। यहाँ पर का जितना भी ऑप्शन है सारा ऑप्शन में आपको इसी तरह पंच करना पड़ता है, यह ऑटोमेटिक नहीं होता है। एक एक करके सारे में जब भी क्लिक करते हैं तो सारे में यही इसी टाइप का ऑप्शन है। इतने कम प्राइस में इतना सारा ऑप्शन आपको इस स्मार्ट बैंड फिटनेस बैंड पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। ये सारा सेटअप करने के बाद अब हम दूसरे मोबाइल से कॉल करके देखते हैं स्मार्ट बैंड में नोटिफिकेशन आती है या नहीं आती है। जैसे ही मैंने कॉल लगाया, आप देख सकते हैं कॉल आते ही स्मार्ट बैंड में भी नोटिफिकेशन आ गई है, और जो नाम फ़ोन में सेव है वो बैंड में भी दिख रहा है आपको। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी फ़ोन रिसीव करने में। फ़ोन अगर पॉकेट में है तो आप अपने स्मार्ट बैंड पे देख सकते हैं कि किसका फ़ोन आ रहा है। अब एक SMS करके भी चेक कर लेते हैं कि SMS की नोटिफिकेशन आती है या नहीं आती है। यहाँ से जैसे ही मैं कुछ लिख करके हाई लिख करके सेंड करता हूँ, जैसे ही हमने दूसरे मोबाइल से SMS सेंड किया है, फ़ोन में SMS रिसीव हुआ और स्मार्ट बैंड में भी नोटिफिकेशन मिल गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी स्मार्ट बैंड को बाय करने से लेकर फुल सेटअप करने तक। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।